टोबा टेक सिंह। बंटवारे के दो तीन साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह इन पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में थे उन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में थे उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब मालूम नहीं कि ये बात माकूल थी कि गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर पागलों के तबादले का एक दिन ऊपर हो गया। तो अच्छी तरह से छानबीन की गई तो वो मुसलमान पागल जिनके लवाई हिंदुस्तान में थे यही रहने थे, बाकी जो बचे उन्हें पुलिस की निगरानी में सरहद पर रवाना कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान से लगभग सारे हिंदू सिख जा चुके थे तो किसी के रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे उन्हें सरहद पर पहुंचा दिया गया। अब उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर अब लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर फैली तो बड़ी दिलचस्प किस्म की चिमगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार अखबार पढ़ता था, उसके जब एक पागल दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है, तो उसने बहुत गौर और फिक्र के साथ जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते। ये बात सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। ऐसे एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा कि खुदा जी हमें इंडिया क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो आपकी बोली भी नहीं आती है। दूसरा मुस्कुराया, हमें हिंदुस्तानियों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ फिरते हैं। ऐसे एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ऐसा जोर से लगाया कि फर्श पर फिसल पड़ा और बेहोश हो गया। तो बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर उन्हें पागलखाने में दाखिल करा दिया था ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। अब वो लोग कुछ समझते थे कि ये हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है, पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और गवार थे जिनकी गुफ्तगू से वो कोई नतीजा बराबर नहीं कर सकते। बस वो इतना जानते थे कि कोई एक शख्स मोहम्मद अली जिना है जिसे कायदे आजम कहते हैं और जिसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया, लेकिन अब वो कहां है, उसका मोहल्ले वकू क्या है, इस बात से वो बिल्कुल बेखबर थे। यही वजह थी कि पागल खाने में हर वो आदमी जिसका दिमाग अभी पूरी तरह से माउफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में। अब अगर हिंदुस्तान में है तो ये पाकिस्तान कहां है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कुछ दिन पहले यही रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और पागल हो गया। एक दिन कपड़े धोते धोते वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और वहां से 2 घंटे मुसलसल तकरीर की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। जब उसे नीचे उतरने के लिए कहा गया तो और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहना शुरू किया कि मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। कुछ देर बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर घंटों रोया। इस बात से उसका दिल भराया था कि ये दोस्त उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाए। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो कि मुसलमान था, जो कि बाकी पागलों से जरा अलग थलग बात के खास भविष्य पर अकेला टहलता फिरता था,
ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने अपने सारे कपड़े उतार के तफेदार के हवाले कर दिए और उसने नंग धड़ंग बाग में टहलना फिरना शुरू कर दिया। चिनियोट का एक मोटा मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और जो दिन में 15-16 मरतबे नहाया करता था, यह लख्त आदत तरफ लाहौर का एक हिंदू नौजवान वकील जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था, उसे जब खबर मिली कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, उसे बड़ा दुख हुआ। अमृतसर की एक लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन दीवानगी के सालम में भी उस लड़की को भुला नहीं पाया था। उन सारे हिंदू मुसलमान लीडरों को चुन चुन के गालियां देने लगा जिसने हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए और उसकी महबूबा को हिंदुस्तानी बना दिया और उसे पाकिस्तानी। फिर तबादले की बात शुरू हुई तो कई पागलों ने सुन लिया, कहे यार तू छोटा ना कर, तुझे भी हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसे हिंदुस्तान में हथियार महबूबा रहती है। लेकिन वो लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था, उसका यह ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चली। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे, अब उन्हें जब खबर मिली कि अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करके चले गए हैं, पर तो उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा। वो घंटों बैठ बैठ कर ऐसे मसले पर गुफ्तगू करते कि अब पागल खाने में हमारी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन बॉर्डर रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, हमें ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, और कहीं हमें ब्रेड की जगह ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं जहर मार करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में आए 15 बरस हो चुके थे और जिसकी जबान से हमेशा कुछ अजीब और गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ओ पड़ती गड़गड़ती एलेक्सी दी पे ध्यान आदि मूंग दी दाल ऑफ दी गुड मैन दी लाल टैन, ओ पड़ती गड़गड़ती एलेक्सी दी पे ध्यान आदि मूंग दी दाल ऑफ दी गुड मैन दी लाल टैन। वो ना दिन में सोता था ना रात, पहरेदार सिपाहियों का कहना था कि 15 बरसों के तवील अरसे में यह शख्स एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटता भी नहीं था। हाँ, अलबत्त कभी कभी हमेशा खड़े रहने की वजह से उसके पांव फूल गए थे और पिंडलियां भी सूज गई थी, लेकिन जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगु होती तो वो बहुत गौर से सुनता, और अगर उसे कोई पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बहुत संजीदगी से जवाब देता, पड़ती गड़गड़ी यानी सीधी पे ध्यान मूंग दाल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ले ली और उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला था। किसी को मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान। जो लोग इसको बताने की कोशिश करते वो लोग खुद इस उलझाव में पड़ जाते कि यार सियालकोट तो पहले हिंदुस्तान में था और अब सुना पाकिस्तान में, क्या पता लो और गर पाकिस्तान में करो हिंदुस्तान में चला जाए या पूरा करो हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी सीने पे हाथ रख के कौन कह सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों फिर से गायब हो जाए। उस सिख पागल के केश छिदरे होकर के बहुत मुख्तसर रह गए थे क्योंकि नहाता बहुत कम था, तो दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन आदमी बेजरर था, 15 बरसों में उसने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा फंसा नहीं। पागल खाने के पुराने मुलाजिम बस इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह की बहुत सारी जमीनें थी
अच्छा खाता पीता जमींदार था, ये अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार से लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध के लेके आए और पागल खाने में दाखिल करा गए। अब हर महीने वो लोग एक बार आते और इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते। लेकिन जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई, उनका भी आना जाना बंद हो गया। उसका नाम विशन सिंह था, लेकिन लोग उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे यह कदर मालूम नहीं था कि